ये कहानी है वो है द कलर पर्पल, जो कि एलिस वॉकर के द्वारा लिखी गई है। जो एलिस वॉकर है ये एक अमेरिकन राइटर हैं। इन्होंने अपने वर्क में जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और यही उन्होंने जो अपना जो ये वर्क है द कलर पर्पल इसमें प्रेजेंट किया है। इसमें उन्होंने जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और इसमें जो एलिस वॉकर है उन्होंने जो शैली नाम की जो लड़की है उसकी कहानी के साथ जो वुमेन का जो स्ट्रगल है उसको प्रेजेंट किया है। ये जो अपना वर्क है ये 1982 में पब्लिश हुआ और इसको जो बुकर प्राइज है वो भी मिला था। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसमें जो अपने मेन जो करेक्टर है वो शैली है। जो शैली है वो अपनी फैमिली में रहती है। इसकी फैमिली में तीन बंदे हैं, जो इनके फादर है और शैली है और नेटी है। इसमें जो इसके फादर है उसको हर नाम से ही जाना जाता है। इसमें जो शैली है उसका अपने ही जो फादर है उनके द्वारा रेप कर लिया जाता है, और इसकी वजह से जो शैली है उसको दो बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो इसका फादर है उन बच्चों को किसी को दे देता है। और अब जो शैली है वो किसी भी तरीके से जो अपनी छोटी बहन है नेटी उसको अपने फादर से बचाना चाहती है। तो जो शैली है वो देखती है कि उसकी जो बहन है उसको मिस्टर डेस नाम का एक बंदा है वो सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार जो उसकी बहन है नेटी उसको परेशान कर रहा है। तो शैली भी यही चाहती है कि जो नेटी है वो मिस्टर डेस से शादी कर ले, क्योंकि अगर वो मिस्टर डेस से मैरिज नहीं करेगी तो वो जो उसका फादर है उसके द्वारा उसको क्या है उसका जो शोषण है वो हो सकता है। तो जो शैली है वो चाहती है कि जो नेटी है वो मिस्टर डेस से मैरिज कर ले, लेकिन जो नेटी है वो मिस्टर डैस से परेशान होकर जो ये अपना घर है उसको छोड़कर चली जाती है, और जो मिस्टर डैस है उसकी मैरिज शैली के साथ हो जाती है। तो अब शैली की जो मैरिज है वो मिस्टर डैस के साथ हो जाती है। ये जो अपना वर्क है ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है। तो जो नेटी है वो अपनी बहन को छोड़कर बाहर चली जाती है, तो वो सैमुअल और कोरिन नाम के जो हस्बैंड और वाइफ है उनके साथ रहने लग जाती है। इसमें जो सैमुअल है वो मैन है और जो कोरिन है वो उनकी वाइफ है। इसमें जो नेटी है वो उनके साथ रहने लग जाती है, और उनके जो बच्चे हैं उनके साथ भी वो रहने लग जाती है। जो इनके बच्चे हैं उनका नाम जो एडम है और ओलिविया है, वो जो नेटी है वो उनके साथ रहने लग जाती है। लेकिन जो कोरिन है उसको नेटी का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो कोरिन है उसको ये लगता है कि जो नेटी है उसका फियर जो उसके हस्बैंड है सैमुअल उसके साथ है, और जो ये दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो नेटी और सैमुअल के जो बच्चे हैं वो हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जो ये एडम और ओलिविया जो है ये जो शैली है उसके बच्चे हैं, और इनकी जो शक्ल है नेटी के साथ मिलती है। लेकिन जो कहानी है उसमें अब तक ये नहीं था पता, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो सैमुअल है इन्होंने ये दोनों के दोनों जो बच्चे हैं जो नेटी के जो फादर है उनसे लिए थे, और अब ये पता चल चुका था कि जो ये दोनों बच्चे हैं ये शैली के हैं। जो नेटी है वो शैली को जो बहुत सारे जो लेटर्स है वो लिखती हैं, लेकिन जो शैली है उसको कोई भी जो लेटर है वो नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी नेटी के द्वारा जो भी लेटर भेजा जाता है उसको जो मिस्टर डैस है वो कहीं पर छिपा देते हैं, तो उसको कोई भी जो लेटर है वो नहीं मिलता है। ये जो वर्क है वो एक एपिस्टोलरी नॉवल है। एपिस्टोलरी का जो मीनिंग होता है वो भी लेटर की फॉर्म में लिखा गया जो नॉवल है वो है। तो अभी भी जो शैली है उसको ये नहीं पता है कि जो एडम और जो ओलिविया है वो उसके जो बच्चे हैं वो है। ये जो कहानी है इसमें जो वुमेन है उसके स्ट्रगल से रिलेटेड जो स्टोरी है वो एलिस वॉकर ने प्रेजेंट की है। तो इसमें जो शैली है वो खुद को एक अच्छी स्ट्रेंथ के रूप में प्रेजेंट करने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो सिलाई से रिलेटेड जो वर्क है वो करने लग जाती है। तो जो शैली है उसने अपनी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है उसके लिए जो सिलाई से रिलेटेड जो वर्क है वो करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो सिलाई है ये उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ जो उसने अपनी सेल्फ को बनाए रखने के लिए जो वर्क किया था वो अपना जो सिलाई से रिलेटेड जो वर्क था। तो शैली ने जो अपना प्रोफेशन है वो एक सिलाई करने वाले के रूप में प्रेजेंट किया, तो उसने अपने जो स्ट्रेंथ है उसको प्राप्त कर लिया, और वो एक अच्छी और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वूमेन है उसके रूप में सामने आई। हमें ये पता चला था कि जो शैली है उसकी मैरिज मिस्टर डेस के साथ
है तो मैं मिस्टर डैस के साथ मैरिज होने के बाद जो मिस्टर डैस के जो बच्चे थे उनकी देखभाल शैली को करनी पड़ती है। जो शैली है वो अपनी जो ड्यूटी है उसको बहुत ही अच्छे से करती है। जो मिस्टर डैस है उसकी पहले से ही मैरिज हो चुकी थी, तो इससे जो उसके बच्चे थे वो थे उसको मिस्टर डैस के सभी बच्चे जो थे वो बिगड़े हुए थे, लेकिन जो उसका हार्पो जो बेटा था वो थोड़ा ठीक था। और हार्पो की शादी सोफिया के साथ होती है। इसमें भी जो हार्पो है वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है और सोफिया को पीटता रहता है, और इस वे में भी इसको जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसे प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो हार्पो है और सोफिया है उसमें जो हार्पो है उसको एक मैन के रूप में और जो सोफिया है उसको एक वुमेन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। जो हार्पो है वो हमेशा सोफिया को पीटता रहता है, और लेकिन फिर जो शैली है उसके समझाने के बाद जो हार्पो है वो अपना जो लाइफ है उसमें चेंज कर लेता है, और जो हार्पो है और सोफिया है वो अच्छे से रहने लग जाते हैं। तो इसमें भी जो एलिस वॉकर है उन्होंने जो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसमें जो अपना ये वर्क है इसमें शग नाम की एक लड़की भी आती है। जो शग है वो एक ओपेरा डांसर है, और जो अपनी जो मिस्टर शग है उनका पास्ट टाइम में जो शग है इसके साथ अफेयर था, तो ये मिस्टर शग के साथ रहती है। इसका मिस्टर शग के साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो होता है। इसके साथ जो वो अपना जो टाइम है वो स्पेंड करती है, लेकिन जब ये जो मिस्टर डैस और शग है वो साथ में रहते हैं तो इससे जो शैली है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ता है। एक बार जो शग है वो शैली से पूछती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ रहती हूँ लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी बुरा क्यों नहीं लगता है, तो इससे जो शैली है वो बोलती है कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे जो मैन है उनकी जगह पर जो वुमेन है वो पसंद है। और इसके साथ जो शग है उसको शैली की जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में पता चलता है कि जो शैली है उसका अपने ही फादर के द्वारा रेप कर लिया जाता है, और फिर उसको दो बच्चे होते हैं और उनको भी उसके फादर के द्वारा किसी को दे दिया जाता है। तो इस सारे की सारी जो चीज़ों हैं उनको देखकर जो शग है उसके जो दिल है उसमें शैली के लिए जो सिंपथी है वो आ जाती है, और वो शैली के साथ जो टाइम है वो स्पेंड करने लग जाती है। जो शग है उसकी दोस्ती शैली के साथ हो जाती है, और शैली ने ये पहले ही बताया था कि उसको जो मैन है उसकी जगह पर जो वुमेन है वो पसंद है। तो अब जो शैली है उसका अफेयर जो शग है उसके साथ शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमें हमें ये पता चलता है कि इसमें जो शैली है उसका अफेयर जो शग है उसके साथ ही होता है। इनकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी इस वर्क में प्रेजेंट किया गया है। तो अब जो शग है उसका अफेयर शैली के साथ हो जाता है, और जो ये अपनी जो एक अलग ही जो लाइफ है उसको यहाँ पर वो स्पेंड करने लग जाते हैं। इसमें भी जो एलिस वॉकर हैं उन्होंने एक अलग ही जो थियरी है उसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हमें जो शग और शैली का जो अफेयर है उसके बारे में पता चलता है, और जो शग और शैली है वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी इंजॉय करते हैं। अब जो लास्ट में जो शैली है उसकी बहन जो है वो आती है। जो उसकी बहन है वो आने के बाद जो शैली है उसको सब बातें बताती है। वो ये भी बोलती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो लिखे, और जो वो लेटर थे शैली के द्वारा उनको डिस्कवर भी कर लिया गया था। और नेटे आने के बाद वो बोलती है कि मुझे ये जो एडम और ओलिविया है ये मिले हैं। जो एडम है ये तुम्हारा बेटा है, ओलिविया तुम्हारी बेटी है, ये दोनों के दोनों तुम्हारे बेटे हैं। और इसके बाद जो शैली है वो जो नेटी है एडम है ओलिविया है उनके साथ रहने लग जाती है। और अब जो मिस्टर डैस है वो भी चेंज हो चुका था तो ये यहाँ पर रहने लग जाते हैं। इसमें जो एडम है उसकी भी ताशी नाम की एक लड़की है उसके साथ मैरिज हो जाती है। और ये हमने पहले ही बता दिया था कि जो शैली है उसने अपनी जो लाइफ है उसमें जो अपना जो सेल्फ बिजनेस है उसको भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसने जो पेंट सिलने का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर दिया था। तो उसने जो सिलाई है उसमें जो अपना करियर है वो बना दिया था। इस तरह से जो अपना ये नॉवल है एलिस वॉकर का द कलर जो ये वुमेन है उसकी स्ट्रगल से रिलेटेड है। इसमें जो कहानी है वो शैली से रिलेटेड है, और शैली की कहानी को इसमें प्रेजेंट किया गया है। शैली के द्वारा ही सारी की सारी जो कहानी है इसको प्रेजेंट किया गया है, और जो शैली है उसने जो अपनी कहानी है उसको प्रेजेंट किया। तो इस वर्क को फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो वुमेन है उसके स्ट्रगल को सब प्रेजेंट किया है, और इसमें जो
जो शैली है उसका अपने ही फादर के द्वारा जो रेप है वो कर लिया जाता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा जो दर्दनाक हैं वो हैं। और बाद में जो एडम और ओलिविक जो हैं जिनके द्वारा इनको बड़ा किया गया था उनके द्वारा ये भी रिवील किया जाता है कि जो फादर था वो रियल में शैली का रियल फादर नहीं था बल्कि वो स्टेप फादर था। तो इस तरह से हमें जो ये कहानी है एलिस वॉकर की कलर पर्पल, इसमें हमें शैली की कहानी के और नैंटी की कहानी के बारे में पता चलता है और वो किस तरह से जो अपनी लाइफ है उसमें स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लेती है, उस कहानी को इसमें प्रेजेंट किया गया है। इस तरह से बहुत ही अच्छी जो कहानी है वो है। और इसमें जो सिलाई है ये एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया है कि जो वुमेन है वो अपनी जो कैपेसिटी है उसका कहीं पर भी यूज कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो ये कहानी है आपको समझ में आ गई होगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।